खबरों का सिलसिला। इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है भोपाल से। राम निवास रावत ने दिया इस्तीफा, विधायक पद से दिया इस्तीफा, विधानसभा सचिवालय को भेजा त्याग पत्र, आज ही ली है मंत्री पद की शपथ। इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर भोपाल से निकल कर आ रही है, विधानसभा सचिवालय को भेजा त्याग पत्र राम निवास। रावत ने दिया इस्तीफा, विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता दिनेश शुक्ल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, यहां पर राम निवास रावत ने इस्तीफा दिया है, आज ही वो मंत्री बनाए गए हैं और उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया है, क्या कुछ अपडेट इस वक्त? देखिए, आज ही उन्होंने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली थी सुबह और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चूंकि वो कांग्रेस के विधायक, आप टेक्निकल रूप से देखें तो विधानसभा में वो कांग्रेस के विधायक के रूप में थी, अब ये इस्तीफा उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सौंप दिया है। तो जो विजयपुर की जो सीट है, जिस विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा था और विधायक बने थे, अब वो खाली हो चुकी है, अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होगा। ये जो पत्र है, अच्छा, तो विधानसभा अध्यक्ष भेजेंगे, इसके बाद निर्वाचन आयोग तो 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर रह सकता है जब तक वो विधानसभा का सदस्य चुनकर ना आए। तो अब यहाँ पर उपचुनाव होगा, राम निवास रावत जो है वो चुनाव लड़ेंगे और अगर जीतते हैं तो लगातार वो मंत्री पद को ग्रहण करेंगे जब आएगी। तो आधिकारिक रूप से अब वो बीजेपी के सदस्य के रूप में घोषणा कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा में जिस तरह से बजटकालीन सत्र में उनका ना पहुंचना एक संशय का विषय बना हुआ था, उसके बाद जब आज उन्होंने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है, उससे संशय हट गया है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।